दोस्तों, अगर बात हो देश के लिए लड़ने की, तो हमारे देश का हर एक नौजवान देश के लिए लड़ने को तैयार रहता है और इसके लिए सबसे अच्छा और सटीक रास्ता NDA या CDS होता है। हर एक नौजवान इस जगह पहुंचने के लिए काफी लगन से पढ़ाई और जज्बे से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है। चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह आप CDS या आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वो सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी और सेना के कई अधिकारियों के साथ वेलिंगटन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। CDS विपिन रावत ने सेना को अपना लंबा समय दिया, जिस दौरान उन्हें काफी सारे सम्मानों से नवाजा भी गया। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया और देश के लिए अपने जीवन के सुनहरे पलों का योगदान दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CDS क्या होता है, कैसे कोई आर्मी चीफ बनता है, CDS के बाद क्या करना चाहिए और CDS और NDA के बीच क्या समानता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें यह समझना होगा कि CDS होता क्या है। CDS वो पोस्ट है जिस पर तैनात शख्स सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है, यानी वैसा व्यक्ति भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह दे सकता है। जिस तरह हमारी तीनों सेनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इस पद पर किसी 5-स्टार मिलिट्री ऑफिसर की तैनाती होती है। CDS की परीक्षा ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही जरूरी होती है जो कि भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। CDS के द्वारा भारतीय सेना में अधिकारियों की भर्ती की जाती है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में भर्ती के लिए UPSC के द्वारा एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा लिया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए व्यक्तियों को ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। UPSC के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में से परीक्षा CDS भी होती है। UPSC CDS भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित करता है, जिसके बाद सफल होने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, नेवल अकादमी गोवा, एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद और ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई भेजा जाता है। UPSC का काम सिर्फ परीक्षा का आयोजन कराना मात्र होता है। NDA और CDS में कोई समानता होती है क्या? दोस्तों, कॉलर पर जगमगाते सितारे, कंधे से पॉकेट तक झूलती रस्सी और जाबाज सीने पर लटकता हुआ बहादुरी का पदक और दिल में देशभक्ति का जुनून और जज्बा, कौन भारतीय युवा नहीं चाहता कि इस ड्रेस को पहनकर गर्व महसूस करें। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी NDA और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि CDS की परीक्षा पास करने के बाद ही कोई ऑफिसर जनरल पद तक पहुंच सकता है। जो ऑफिसर जनरल के पद तक पहुंचता है, वही थल सेना प्रमुख बनता है। दरअसल NDA और CDS की कड़ी परीक्षा पास करने के बाद सीधे तौर पर सेना में ऑफिसर रैंक की चुनाव होता है। भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी की सबसे पहली पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट। अगर लेफ्टिनेंट का काम अच्छा होता है तो फिर उसे प्रमोट करके कैप्टन बनाया जाता है। उसके बाद मेजर का पद आता है। अगर काम अच्छा रहा तो तरक्की देने का यह सिलसिला चलता रहता है। अपारी आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। उसके बाद कर्नल बनाया जाता है, फिर उसे तरक्की देकर ब्रिगेडियर बनाया जाता है। दोस्तों, ये काफी बड़ा ओहदा होता है, लेकिन तरक्की पाने के पैमाने अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। इसके बाद मेजर जनरल बनाया जाता है, फिर दूसरा सबसे बड़ा ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। एक वक्त में सेना में कई लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इसके बाद अब सिर्फ एक ही पोस्ट बचती है और वो है जनरल यानी कि सेना प्रमुख। ये पोस्ट सबसे काबिल ऑफिसर को दी जाती है, लेकिन सेना के अधिकारियों के रैंक से साफ है कि NDA और CDS परीक्षा पास करने वाला हर अधिकारी सेना अध्यक्ष बनने की कतार में खड़ा हो जाता है। कैसे होता है आर्मी चीफ का चुनाव? देश की सरकार के पास आर्मी चीफ को चुनने की शक्ति होती है। सरकार सुरक्षा स्थिति और समय समय पर आती जरूरतों के हिसाब से आर्मी चीफ चुनती है। इस दौरान सीनियोरिटी को प्रमुखता दी जाती है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि ACC का निर्णय अंतिम होता है।
ACC में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 4-5 माह पहले शुरू हो जाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से सभी योग्य लेफ्टिनेंट जनरल के प्रोफेशनल प्रोफाइल मंगवाए जाते हैं। प्रोफाइल्स में उप सेना प्रमुख और विभिन्न कमांड्स के कमांडिंग इन चीफ की भी प्रोफाइल शामिल होती है। सर्विस हेडक्वार्टर की ओर से योग्य उम्मीदवारों का डेटा आगे भेजा जाता है। इसमें उनकी कई उपलब्धियों के अलावा उनके ऑपरेशनल अनुभव को भी शामिल किया जाता है। डेटा को मंत्रालय और रक्षा मंत्री की ओर से ACC के पास विचार और चयन करने के मकसद से भेजा जाता है। सरकार की ओर से COAAS की नियुक्ति कर दी जाती है ताकि उपसेना प्रमुख भी उससे परिचित हो सके। नए चीफ आर्मी के नाम का ऐलान 2 या 3 माह पहले ही कर दिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके अलावा अगर चीफ की उम्र 62 वर्ष हो रही है तो फिर वो 3 वर्षों से पहले भी रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, CDS के पैटर्न को अच्छे से समझिए। CDS में भर्ती होने के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित से जुड़े सवाल दिए जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल होता है। ध्यान रहे कि कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी गलत जवाब से पहले सोच लें, उसके बाद ही जवाब दें। बता दें कि इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट को 2 चरण में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण, इस चरण में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR परीक्षण और फिर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन यानी कि PPDT टेस्ट होगा। OIR और PPDT टेस्ट को देखने के बाद कैंडिडेट्स को इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व परीक्षण के दूसरे चरण के लिए नामित किया जाएगा। दूसरा चरण, जब आप पहला चरण पार कर लेते हैं उन्हें दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। इसमें इंटरव्यू, ग्रुप टेस्ट, ऑफिसर वर्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट का आकलन 3 अधिकारियों द्वारा किया जाता है। NDA की परीक्षाओं के लिए केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन CDS की परीक्षा के लिए पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। NDA की परीक्षा के लिए शिक्षा की योग्यता 12वीं पास होती है, जबकि CDS की परीक्षा के लिए ग्रेजुएटेड होना चाहिए। NDA के अंदर शिक्षण की अवधि 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होती है और CDS के अंदर प्रशिक्षण अवधि 18 माह से लेकर 74 माह तक होती है। आखिर कैसे और किस प्रक्रिया के तहत इंडियन आर्मी के लिए नए चीफ का चुनाव किया जाता है, हमने इस वीडियो में जाना। अब बात करते हैं कि आखिर CDS की जरूरत क्यों है। CDS की जरूरत की प्रक्रिया पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद की गई। कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसने देश की सुरक्षा प्रणाली में खामियों पर ध्यान देकर ये सुझाव दिया कि तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होना चाहिए। CDS कमेटी ने यह भी कहा था कि ये 5-स्टार मिलिट्री ऑफिसर सेना की ओर से रक्षा मंत्री से बात करने वाला मुद्दा होगा। इस हाई लेवल कमेटी के अलावा कारगिल वॉर के बाद 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए CDS की जरूरत है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने भी सुझाव दिया था कि 3 सेनाओं का एक प्रमुख होना चाहिए। हालांकि टास्क फोर्स ने इस पद को CDS का नाम नहीं दिया था, लेकिन मकसद वही था, तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर जुड़े रहना। किसी भी युद्ध के वक्त तीनों सेनाओं का एकीकरण बहुत बड़ी चुनौती होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि तीनों सेनाओं के बीच संगठन अच्छा रहेगा और सेनाएं बेहतर ढंग से लड़ सकेंगी। देश के पहले CDS बने थे जनरल रावत। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वो 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक ये पद संभाल रहे थे। तमिलनाडु के सुलूर के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में व्याख्यान देने जाते वक्त एक अप्रत्याशित हादसे में अपनी पत्नी समेत कई फौजियों के साथ उनका निधन हो गया। वैसे दोस्तों, क्या आप भी CDS या NDA में जाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।